अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल फेसबुक का बड़ा इशू आ रहा है। काफ़ी लोगों की जो है ना फेसबुक परमानेंट डिसेबल बैन हो चुकी है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपकी फेसबुक दोबारा से लॉगिन हो जाएगी और डिसेबल भी ख़त्म हो जाएगा और परमानेंट ऑन हो जाएगी। उसके लिए आपने सबसे पहले करना होगा फेसबुक आईडी वेरिफिकेशन। आपने यहाँ सर्च करना है कन्फर्म योर आइडेंटिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिटी कार्ड को जो है ना ओपन करना है। अब मेरे पास तो सेव है, मैंने इसको डन किया। ये देखें, जैसा कि अब मैं यहाँ सेंड कर रहा हूँ, ये देखें ऐसा सा ये रिव्यू आता है। अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसे ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब आप आ जाएं अगले स्टेप की तरफ। आपने इसको कैसे इशू को सॉल्व करना है, आपने दोबारा गूगल पर आ जाना है। यहाँ आपने लिखना है रिपोर्ट आ लॉगिन इशू, आपने रिपोर्ट आ लॉगिन इशू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था इसको यहाँ पर आप कर लें डेस्कटॉप। मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है ना, ये देखें आपने यहाँ ऐसे कर लेना है। अब वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना इशू, पहले ये स्क्रीनशॉट ऐड कर लें, ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड किया। उसके बाद आ जाएं, मैंने तो ये डिस्क्रिप्शन सेव की हुई है इसकी, यहाँ से जो है ना मैंने ये कॉपी किया। इसको कॉपी किया और वहाँ पर पेस्ट कर दिया इस डिस्क्रिप्शन इशू में, इसको भेज के इसको नेक्स्ट कर दिया। अब ये देखें, यू हैव कंप्लीट ऑल रिक्वेस्ट फील्ड में एट द सबमिट गो टू बैक चेंज यू। अभी ये हमने इसको रिव्यू दे दिया, अब ये सबमिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो अगला प्रोसेस करना है, आपने अपने जीमेल में आ जाना है। जीमेल में आकर यहाँ पे कंपोज मेल करनी है। फिर आपने डिसेबल वाला ये डिसेबल स्पॉट, इस पर ईमेल भेजना है। अब दोबारा फिर आपने यहाँ से जो है ना ये कॉपी करना है, मैं पर्सनल फेसबुक अकाउंट ये कॉपी करके इसको आपने यहाँ जीमेल में लेके आना है। सब्जेक्ट की जगह पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने फिर से ये हेलो सर से ये उठाकर ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो है ना इनको ये मैसेज फॉरवर्ड कर देना है ऐसे। फिर 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिव्यू मैसेज आ जाएगा। देखें, जैसा कि अब मैंने आपको बताया, मैंने जो है ना मैसेज सेंड कर दिए। ये देखें सेंड आइटम में ये मेरा मैसेज चला गया 4:03 पर। अब ये 10-15 मिनट या 24 घंटे के अंदर आपको ना एक रिव्यू का मैसेज आएगा जिससे आपकी फ़ेसबुक दोबारा से लॉगिन हो जाएगी। ये देखें, मैंने पहले भी 3-4 अकाउंट ओपन किए हैं, मेरे अकाउंट हुए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।